मेरा नाम रणजीत सिंह, पिंड माधोपुर। तो जो सवेरे जो झगड़ा होया वो तो मैं थोड़ी देर बाद पता लगा जिले कि गोलियां की आवाज़ आई चलन की, कि उनका नॉर्मल जहा झगड़ा तो कुछ भी नहीं, वो अपना घर जरा अपनी जगह पर पा डे ही। जबकि आर्मी का मतलब कि राहुल कुमार तो इन आ गए पहला, तो मतलब कि उसकी जनानी हाथ पाता, उन्होंने कुटिया, वो बाद मुड़ के वह कुट के घर में दौड़िया। घरों दौड़ के उन्हें रिवालवर लिया है, रिवालवर लिया के तो उन्हें अपने मतलब कि मुड़े तो फायर कढ़िया है, दो फायर कढ़िया है मौके पर, दो फायर कढ़िया है। जबकि पूरा पिंड उत्थे इकट्ठा ही, ये गवाही कल्ले मतलब कि यही नहीं, ये पूरा पिंड भी दे सकता, क्योंकि इन्हें जो भी किया बड़ा गलत किया है, क्योंकि वह गोली के होर भी लग सकती है, जरूरी नहीं कि इंदा ही कोई नुकसान हो सकता ही, जिदे नाल पूरा पिंड डरिया होया है। की कारण है सर गोली चलाने का, की कारण विच होया है, क्यों गोली चलाई? सर कारण चलो कोई भी होए, मतलब कि जमीनी वो जमीनी भी हो सकता है, पर उहदा मतलब ये थोड़ी भी ये गोली चला देगा, मतलब कि पिंड दे विच इहने दहशत दा माहौल बना दिता जी। और मैं तो यो कहना चाहना कि इस बंदे नाल सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए, कि जिहड़ा मुड़ के इदां दा हादसा साडे पिंड विच ना होवे। सुबह जी एक इनफॉर्मेशन आई है, माधोपुर पिंड विच ना दो पार्टियां दा जिहड़ा आपस विच प्लॉट तो झगड़ा सीगा, उस विच एक राहुल शर्मा जो आर्मी विच सर्विस करदा ते उहनां दा गवांडी जिहड़ा करैती राम उहनां नाल झगड़ा सीगा। ये पता लगा भी उस दौरान जिहड़ा उहनां राहुल शर्मा जो आर्मी च पता चले आर्मी च कैप्टन है, तो उसने अपने लाइसेंसी वैपन तो कुछ फायर किए ने, हवाई फायर जां किए ने कुछ, तो इस संबंधी असी एस एच ओ सुजानपुर की ड्यूटी लाई है, वो जांच चल रही है साड़ी, तो उस अनुसार जो भी इफेक्ट्स आएंगे तो जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो असी कानून अनुसार करांगे। फायर की रिजेक्ट तो नहीं अजे, तो ना पता चलिया दो तीन शायद फायर किए ने, तो फिर भी वो असं सारी जांच कर रहे हैं कि की उतों कोई खोल वगैरह मिले, जो भी पता लगा भी एक दो खोल भी मिले ने, वो सारा ही असं वेख के वो फिर ही क्लीयर होगा कि फायर किए ने। दूसरी पार्टी जी दोनों तो उन्हों का यह भी पता चला भी जोड़ा जगह का झगड़ा सगा, वो कोर्ट में उन्होंने सिविल कोर्ट में मैटर चल रहा है।